तो आज हम करेंगे मेंटल मैथ क्लास 8 का नेक्स्ट पार्ट। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाई। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखो यहां पर मैंने पहले से लिखे रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को हम बेसिक तरीके से करेंगे। द साइड ऑफ ए रूम आर इन द रेशो 3:2:4, द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 24,000, ठीक है बच्चों, क्यूबिक मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रूम। लॉन्गेस्ट साइड की हमें क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो करना कैसे है बच्चों, देखो रूम होता है क्यूबोइड टाइप का, ठीक है। तो क्यूबोइड टाइप का होता है तो मीन्स वॉल्यूम आपका गिवन है, ठीक है। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द, यहां पर लेट द साइड, ठीक है बच्चों, साइड्स ऑफ रूम इक्वल टू 3x, 2x और 4x, इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है बच्चों, यहां पर देखो ये तो हो गया साइड हो गई। अगर हम वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम कैसे आएगा बच्चों, वॉल्यूम आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस तरीके से, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 6, 2 4 24, और एक्स को एक्स से किया फिर एक्स से किया तो एक्स की पावर 3 हो गया, ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। बट गिवन वॉल्यूम क्या है, 24,000। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये भी वॉल्यूम है और वो गिवन में वॉल्यूम है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं, ठीक है इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर देखो 24 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर मैं डिवाइड कर देता हूं इस तरीके से, तो यहां पर 24 1 24, यहां पर बच गए 1000, बच गया 30, तो 30 लगा दी। अब आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो देखो इधर ये क्यूब है, इक्वल के साइन से इधर लेके आते हैं तो क्यूब रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, और 1000 का क्यूब रूट होता है बच्चों 10, ठीक है। तो यहां पर मीटर लिख देता हूं मैं, ये आ गई x की वैल्यू। अब आपको ये फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड तो 4x हो गई ना, तो यहां पर हम कर देते हैं लॉन्गेस्ट साइड, तो 4x, x की जगह x की वैल्यू को रख के आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पर 10 4 जा 40, तो 40 मीटर हो गई बच्चों लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। अब यहां पर करना क्या है बच्चों, इसको आप चाहे तो शॉर्ट तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, मैं इधर बताता हूँ शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, ठीक है। जो वॉल्यूम गिवन है आप वॉल्यूम को क्या कर दे, ऊपर रख दे, ठीक है। ये क्या याद रखना है, क्यूबिक मीटर है, इसको डिवाइड करना है। यहां पर ये जो रेशो है इनका वॉल्यूम निकाल लीजिए, यानी इनको मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 6, 6 4 24, तो 24 से इसको डिवाइड कर दे तो आपका कितना आ जाएगा, 1000। ये क्या क्यूबिक मीटर है, ठीक है, यानी मीटर क्यूब है, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। तो 1000 का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो क्या आ जाता है बच्चों, 10 आ जाता है। अब पूछा लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट रेशो जो होगा उसको इस वैल्यू से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बेसिक तरीके से। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यहां पर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, अगर हम बिग रेक्टेंगल में से स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दे तो ये एरिया बच जाएगा जिसपे शेड की हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से निकालना है, आइए मैं लिख लेता हूं। तो शेडेड पोर्शन यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं एरिया, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो कैसे आएगा, तो यहां पर देखो बिग रेक्टेंगल का मीन्स बिग प्लॉट मान सकते हैं, यहां पर कोई भी नाम दीवे नहीं है तो आप लिख सकते हैं। तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये हो गया, इसमें से माइनस करना है आपको ये वाला एरिया 10, ये भी देखो रेक्टेंगल है, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इस तरीके से, तो 15 3 कितना होता है, 45 होता है, इसमें 10 तो 10 लगा दी। यहां पर 10 5 50, तो माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों, 400। तो 400 एरिया है क्योंकि, तो इसको लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, टू कंसेंट्रिक
सर्कल्स हैविंग सेंटर ओ, ओ ए 14 सेंटीमीटर एंड ओ बी 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना। फिर वो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए तो आपका ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला अगर मालूम नहीं है तो यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए तब आप कर पाएंगे। यहां पर स्मॉल सर्कल की आर है 7 और बिग सर्कल की आर है बच्चों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। तो क्या करना है पाई आर स्क्वायर में से, ये मैंने बड़ा आर लिया मीन्स बिग सर्कल का हो मानेंगे इसको, माइनस कर देना पाई आर स्क्वायर इस तरीके से। अब बच्चों दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में पाई कॉमन है। अब आप कहेंगे सर आर भी तो कॉमन है। जी नहीं, ये बिग आर है ये स्मॉल आर है, इसको रखना है आपको यू का यू। ठीक है, ये मैंने रख दिया इस तरीके से। तो पाई की वैल्यू बच्चों होती है 22/7 और यहां पर बच्चों आर, आर बिग है 14, तो 14 स्क्वायर आपको लिखना है इधर माइनस स्मॉल आर है 7, तो इस तरीके से। ठीक है, यहां पर ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं। तो 22/7 और 14 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 196 आएगा और 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। इस तरीके से आप मीन 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर आपको लिखना है। अब इसको कर देना माइनस। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं। तो 22/7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और अब देखिए माइनस करते हैं। यहाँ 6 में से 9 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से बोरो लेंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है बच्चों। यहाँ पर आ गया 8। ठीक है, 8 में से 9 माइनस नहीं होंगे, बोरो लिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये देख ला। अब यहाँ पर 18 या 8, 8 में से 4 माइनस किया तो कितना आएगा 4 आएगा और 1 यू का यू आ गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7 हो गया। अब 21 को मल्टीप्लाई करना है, 21 2 42 कैरी 4, 21 2 42 और 4 46। अब ये एरिया आ गया आपको बच्चों, इसको लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पोर्शन का एरिया आपका निकल चुका है। ठीक है, आइए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ए सी इक्वल 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर ए सी, जी हाँ ये रही, डी क्यू इक्वल 8 सेंटीमीटर, ये डी क्यू है ये 8 सेंटीमीटर है, इसको लिख लेते हैं। बी पी इक्वल 10 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, फिगर का एरिया फाइंड आउट करना। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर एसी एक, ये क्या हो गया बेस मान लीजिए, इसको एसी की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मींस यहाँ पर ये जो साइन गिवन है ना ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी एक लाइन पर अगर टू परपेंडिकुलर हो तो वो दोनों एक दूसरे के क्या क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। ठीक है, क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो आप यहाँ पर एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला फिट करना है तो तब उससे इस पूरी फिगर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो 1/2h यही होता है और यहाँ पर a1 + a2। अब a1 + a2 का मतलब है पैरेलल साइड से, यहाँ पर पहली पैरेलल साइड प्लस सेकंड पैरेलल साइड, इसे ये मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर h क्या होगा, अब आप कहेंगे h तो क्या है, अब ये टू लाइन पैरेलल है तो ये h माना जाएगा बच्चों इसको। ठीक है, इसको क्या मान लेना h मान लेना, तो 1/2 और यहाँ पर h ये क्या है 15, तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं और प्लस a1 यानी 8 + 10 इस तरीके से। तो 1/2 × 15 और यहाँ पर दोनों को प्लस किया तो आ गया 18। ठीक है, तो 2 से 2 1 = 2, 2 9 = 18, 15 9 = 135 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना बच्चों इस तरीके से। अगर आप चाहे तो इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये ए डी सी एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल का एरिया यूज करना है। ठीक है, 1/2 base × height। ठीक है, फिर नीचे वाली ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी फॉर्मूला क्या लगाना है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 base
इंटू हाइट, ठीक है, तब करेंगे, तब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहां पर लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल देन बाई हाउ मच परसेंट इट्स एरिया विल इंक्रीज। यानी सर्कल की जो रेडियस है उसको अगर हम डबल कर दें तो हमें बताना है उसके एरिया में कितने परसेंट इंक्रीज हो जाती है। तो मैं यहां पर कर लेता हूं। देखो पहले तो बेसिक मेथड से निकालो, लेट द रेडियस, यहां पर आप रेडियस मान लीजिए बच्चों क्या 7 मान लेते हैं। 7 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7 आसानी से कट जाएगा, ठीक है। अब एरिया निकालो, एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो पाई की जगह क्या लिखना है, 22/7, और आर क्या है, 7 × 7, ठीक है। यहां पर ये आ गया, तो मल्टीप्लाई किया, 22/7 = 154 होता है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब यहां पर न्यू रेडियस लिख लेते हैं, न्यू रेडियस। अब न्यू रेडियस में क्या कहा कि डबल कर दी जाए, तो डबल कर लो, 7 का डबल कितना होता है 14, ठीक है। इस तरीके से तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया, तो एरिया निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है, और इस तरीके से यहां पर ये, ठीक है। तो 7 × 2 = क्या हो गया 14, तो 22 × 2 = 44 × 14, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब 14 × 4 = 56 का 6 कैरी 5, 14 × 4 = 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो पहले देख लो इंक्रीज हुआ कितना है, आइए वो भी लिख लेते हैं पहले, फिर परसेंट में निकालेंगे, ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज हुआ 661 में से आपको 154 माइनस कर देना है, आपको मालूम हो जाएगा। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे बच्चों 1 में से 5 माइनस होंगे, यहाँ से बोरो लिया 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, ठीक है। यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 1 माइनस किया 4, ये आ गया बच्चों, ठीक है। इतने परसेंट की इंक्रीमेंट हो गई। अब आपको करना क्या है, इंक्रीज को परसेंट में आपको शो करना है, यानी निकालना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इंक्रीज कितना हुआ, 462, किस में हुआ, 154 में हुआ, ठीक है। और परसेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां पर आप चाहे तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइए कर लेते हैं। 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, यहाँ पर 11 × 4 = 44, 11 × 2 = 22, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों 14 से 14 × 1 = 14 आ गया, 14 × 3 = क्या आ गया 42, तो 3 × 100, तो आ गया 300% बच्चों इंक्रीज हो गया आपका एरिया, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।